फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास 12 एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी चल रही है। देखिए, क्लास की बात करें कि क्लास 12 एग्रीकल्चर है, सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है, ठीक है। चैप्टर आज आपका जो चैप्टर है वो है साफ सब्जियों का महत्व, यानी चैप्टर 5। आप देख रहे हैं बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। देखिए, ये व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। तो बेटा, चैप्टर के को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो करते हैं बिना किसी देरी के टॉप की शुरुआत। देखिए, एक बात और बता दूँ, इस वीडियो को आप बिल्कुल शुरू से लेकर और लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको मैं नॉलेज दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो जो स्टूडेंट वास्तव में बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और जिनको नॉलेज चाहिए, वो ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और जब आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखिए, एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट हैं वो वास्तव में उनकी संख्या जो है वो बहुत कम है, और कम संख्या के बावजूद भी जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो लाइक नहीं करते। तो देखिए, गलत बात है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको वास्तव में कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करिए। इसी बात पे देखिए, इस वीडियो का जो टारगेट है हमारा वो है 300 लाइक का। 300 लाइक करिए, एक व्यक्ति एक ही बार लाइक कर सकता है, इसका मतलब 300 लाइक करने के लिए आपको वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा। तो करते हैं शुरुआत। देखिए टॉपिक की, सबसे पहले देखिए हेडिंग, आप देख रहे हो हेडिंग क्या है, सब्जी। तो सबसे पहले देखो सब्जी है क्या, सब्जी के बारे में समझिए। देखो, जो प्लांट होता है, पौधे होते हैं, पौधे का वह भाग जिससे व्यक्ति भोजन के रूप में प्रयोग करता है, जिसे व्यक्ति क्या करता है, भोजन के रूप में प्रयोग करता है, जैसे गोभी, आलू, शलजम या बीन आदि, ये सब क्या है, सब्जी हैं। तो आप समझ गए होंगे सब्जी क्या होती है। सब्जी में आप क्या लिखोगे कि पौधे या पौधे का भाग जिससे व्यक्ति भोजन के रूप में क्या करता है, उसे प्रयोग करता है, किसे, इस पौधे के भाग को, तो उसे क्या कहते हैं, सब्जी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, गोभी, आलू, शलजम, बीन, ETC, आप कुछ भी सब्जी इसमें लिख सकते हो। अब देखिए परिभाषा है सब्जी विज्ञान की। तो परिभाषा देखिए क्या है कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा, क्या है, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शाकोत्पादन का मतलब वही है सब्जी उत्पादन, शाकोत्पादन वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है, शाको उत्पादन या सब्जी विज्ञान कहलाता है। तो ये हो गई परिभाषा किसकी, सब्जी विज्ञान की। अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा विटामिन। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन आना तय है। तो पूरा टॉपिक विटामिन का मैं आपको डीपली समझाऊंगा और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं ये भी आपको समझाऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए समझिए। देखिए, घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन होता है वो होता है, सबसे पहले विटामिन को समझिए। देखो, विटामिन की जो खोज की है वो खोज की है फंक ने, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है फंक। तो फंक ने खोज की है विटामिन की, और जो नाम दिया है विटामिन, नाम किसने दिया, वो दिया है लूनिन ने। कौन है वैज्ञानिक, लूनिन। अब घुलनशीलता के आधार पर हम करेंगे विटामिन के प्रकार की बात। तो जो घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक है जल में घुलनशील, दूसरा है वसा में घुलनशील, ठीक है। अब जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, बी और सी, और वसा में घुलनशील है ADEK। अब देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज दैट ये देखिए गिलास है, और इस गिलास में क्या भरा है, इस गिलास में पानी भरा है, ठीक है, और एक गिलास और है, और इसमें भी क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक। अब आपने जैसे ही, ये विटामिन है आपका, पहला है जल में घुलनशील, दूसरा है वसा में घुलनशील, ठीक है। तो ये दो गिलास हैं, और दो गिलास में ये फर्स्ट गिलास है और ये सेकंड गिलास है, दोनों गिलासों में हमने क्या भर लिया, पानी भर लिया। अब देखिए हम इसमें क्या डालेंगे, कीड़ा, क्या डालेंगे, कीड़ा, KEDA, इस प्रकार से कीड़ा, आप अगर हिंदी में लिखोगे तो इस प्रकार से कीड़ा लिखोगे। इसी प्रकार से मैंने इसे लिख दिया KE
डी ए, मान लो सपोज दैट इसमें पानी भरा है और इसमें मैंने कीड़े को डाल दिया, तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि कीड़ा मर जाएगा? नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि जो इसमें पानी भरा है और पानी की सतह से सतह पर वो तैर कर ये जो गिलास है इसकी सतह को पकड़ लेगा और इसके सहारे कीड़ा कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब इसमें तो था पानी, इसमें क्या भरा था गिलास में? पानी। अब दूसरे गिलास में पानी नहीं है, दूसरे गिलास में सपोज दैट बसा है। क्या है? बसा है। अब यही कीड़ा इस वाले गिलास में गिर जाए, इस वाले गिलास में गिर जाए, तो बसा में क्या है कीड़ा? कीड़ा क्या आप बताओ, मर जाएगा? मरेगा या नहीं मरेगा बसा में? तो आपको ये देखना है कि बसा के अंदर कीड़ा है वो मर जाएगा यानी बसा में घुल जाएगा। किस में घुल जाएगा? बसा में। तो आपको ये कीड़ा ध्यान रखना है। इसको कीड़ा को मैंने इस प्रकार से लिख दिया है के ई डी ए, तो आपको ये ध्यान रखना है ये विटामिन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये काय में घुलनशील है, ये हैं बसा में घुलनशील। ये मैंने आपको कुछ इसलिए समझाने की कोशिश की ताकि आप इसे भूलो ना। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कि जल में घुलनशील कौन से हैं बीसी और बसा में घुलनशील कौन से हैं, बसा में कौन घुल जाता है? कीड़ा, की ई डी ए, कुछ इस तरह से। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। आगे समझिए, आगे देखिए क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से खूब भर भर के क्वेश्चन आता है, एक नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन कौन कौन से हैं, इसके बाद रोग पता होना चाहिए कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि उसका रासायनिक नाम क्या है। तो सबसे पहले देखिए सीरियल से हम विटामिन को लिखेंगे, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये होती है विटामिन। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता, या बोल सकते हो आप जनन क्षमता में कमी, विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनना। तो ये तो हो गए रोग। इसके बाद आपसे पूछा जाता है रासायनिक नाम। आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा बेटा रासायनिक नाम। रासायनिक नाम किस प्रकार से पूछा जाएगा समझो, जैसे आपसे पूछा जाएगा आप ये बताओ जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। इसी प्रकार विटामिन बी से पूछा जाएगा कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी का है थायमीन। इसी प्रकार विटामिन सी का पूछा जाएगा, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसी प्रकार से विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछेगा, तो डी का बताना है आपको कैल्सीफेराल, ई का आपको बताना है टोकोफिराल और के का बताना है फिलिकोनोन या फिर नेप्थोक्विनोन। ठीक है, दोनों नामों में से आप कुछ भी बता सकते हो। अब ये सब याद करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से आप ये कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए समझिए, देखो इसे समझिए आप। हमने एक ट्रिक दी है आपको, रथ पर एक ट्रॉफी। क्या दिया है? रथ पर एक ट्रॉफी। यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, ये जो विटामिन है ये बिल्कुल सीरियल से याद होनी चाहिए। विटामिन ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद के। अगर इसको आप सीरियल से नहीं लिखोगे तो ये वाली ट्रिक है ये आपके काम नहीं आएगी। रथ पर एक ट्रॉफी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको रासायनिक नाम याद करवाएगी ये वाले। ठीक है, बकाया ये जो रोग है ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब जैसे देखिए रथ पर एक ट्रॉफी, जैसे आपने देख लिया कि विटामिन ए है और पहला अक्षर क्या है? ए। पहला अक्षर क्या है? रा है, ये रथ है। ठीक है, रथ, तो रा से क्या हो गया? रेटिनॉल। दूसरा शब्द क्या है? विटामिन बी, विटामिन बी का, और था से क्या हो गया? थायमीन। यानी विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन। और विटामिन ए का क्या हो गया? रेटिनॉल। पर आपका यहाँ पर साइलेंट रहेगा, पर से कोई लेना देना नहीं है, पर को सिर्फ वाक्य बनाने के लिए लिखा गया है। ए, तो विटामिन सी देखिए ए से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। इसी प्रकार है इसके बाद देखिए का आया इसके बाद, और का से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेराल, तो विटामिन डी का कैल्सीफेराल। टा, तो विटामिन ई, टा का से क्या हो जाएगा? टोकोफिराल। फा से क्या हो जाएगा? विटामिन के का क्या हो जाएगा? फिलिक्विनोन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। आगे समझिए, वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए विटामिन जो बी है इसके कुछ पार्ट भाग चलते हैं, जैसे विटामिन बी टू, बी थ्री,
B5, B6, B7, B9 और B12। तो यहाँ से भी आपसे क्या पूछा जाता है, रासायनिक नाम पूछा जाता है। ठीक है, मैं पूरी बात विटामिन्स की बता रहा हूँ क्योंकि आपसे कुछ भी पूछे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो छूट नहीं सकता। तो इसके लिए ट्रिक है, रूप ने पर्व से FC कहा। जैसे आपसे पूछेगा कि जो विटामिन B2 है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो B2 का क्या है, देखिए रा है पहला, तो रा से क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, यानी विटामिन B2 का रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है B3, तो B3 का है, देखो पा है इसमें, तो पा से क्या हो जाएगा, पैंथोनिक एसिड, क्या हो जाएगा, पैंथेनिक एसिड। इसी प्रकार देखिए हमारा B5 है, इसके बाद क्या है, ना, तो ना से क्या हो जाएगा, निकोटिनामाइड, या बोल सकते हो आप इसे न्यूसिन। इसी प्रकार विटामिन B6 है, B6 में देखिए इसमें आ रहा है पा, तो पा से आपसे ध्यान रखना है पाइरिडॉक्सिन। इसी प्रकार है विटामिन B7, B7 के बाद है देखिए बा, तो बा से आ रहा है बायोटिन, क्या रहा है, बायोटिन, से आपका सेलेंट रहेगा और कहा भी आपका सेलेंट रहेगा। इसके बाद है B9, तो B9 का इनका रासायनिक नाम है F से, देखिए क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड। इसी प्रकार विटामिन B12 है, और B12 का देखिए C से क्या हो जाएगा, साइनोकोबालमिन, ये हो जाएगा आपका रासायनिक नाम। तो इसकी जो PDF है, देखिए मैं आपको बता दूं, इसकी जो PDF नोट्स है वो PDF नोट्स क्लास 12 एग्रीकल्चर का, जो आपका क्लास 12 एग्रीकल्चर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हर दिन शाम को या मॉर्निंग में इसकी PDF सेंड कर दी जाती है। तो PDF की आप टेंशन मत लो, आप अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना, वीडियो में आपको अच्छे से समझना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूँ वैसे वैसे आप टॉपिक को समझते चलिए और याद करते हुए अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। अब देखो हम एक एक विटामिन को थोड़ी सी गहराई से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का मैंने देखिए आपको जो रासायनिक नाम था वो बताया था, रेटिनॉल। तो भाई होती क्या है, इसके बारे में समझो, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं और किस किस से ये प्राप्त कर सकते हो आप। देखो इसकी कमी से क्या होता है, त्वचा का सूखापन, यानी त्वचा में क्या जाता है, सूखापन आ जाता है। रतौंधी यानी आँखों में क्या हो जाती है, रतौंधी होती है, और आँखों में जलन पैदा होती है, मुहासे, पेट में पथरी और बच्चों की बढ़वार का रुक जाना आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। किसकी कमी से, इस विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से तो ये रोग तो हो गए, लेकिन अब विटामिन ए की प्राप्ति किससे करोगे जिससे कि ये रोग ना हो। तो विटामिन ए की प्राप्ति हेतु सब्जियों की देखिए हरी पत्तियां खाने में, जैसे कैरोटिन नामक पदार्थ की प्राप्ति होती है जो शरीर के अंदर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। जैसे गाजर, विटामिन ए का देखिए जो स्रोत है वो गाजर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। गाजर, टमाटर, मटर, शलजम, चुकंदर, बंद गोभी, शकरकंदी, पालक, मेथी, हरी सब्जी यानी हरी प्याज, हरी मिर्च आदि सब्जियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन गाजर इन सब में बेस्ट है। ठीक है, तो ये थी विटामिन ए की बात। अब हम आगे समझेंगे इसमें विटामिन बी। चलिए विटामिन बी को आप समझिए। देखिए विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन, जैसा कि मैं आपको ट्रिक से बता चुका हूँ। तो यह शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जो विटामिन बी है यह शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। कोएंजाइम का एक प्रमुख अंग होने के कारण कई जैव रासायनिक क्रियाओं में ये उपयोगी भी है। शरीर में इस विटामिन की कमी के कारण देखो बेरी बेरी नामक रोग, हृदय का बढ़ना, शक्ति की कमी, भूख कम होना, वजन का कम होना हो जाना, शरीर के ताप में गिरावट इत्यादि रोग पैदा हो जाते हैं। किसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से। जब ये सारे रोग हो गए, विटामिन बी की कमी हो गई, तो भाई उस कमी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो उपचार होगा, तो बिल्कुल है समझो। देखो यह प्रचुर मात्रा में मटर, टमाटर, प्याज, बैंगन, हरी मिर्च, गाजर आदि में यह विटामिन पाई जाती है। कौन सी, विटामिन बी। अब हम समझेंगे आगे विटामिन सी। देखो विटामिन सी कुछ खास है, इसको समझिए आप। इसके PDF नोट्स तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल ही जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ऐसे ना हो तो ध्यान रखना CAR,
सी ए विटामिन सी, और ऐसे क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखो ए है विटामिन, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, निरोग और स्वस्थ रखने के लिए इसका समुचित मात्रा में उपयोग किया जाता है, या समुचित मात्रा में उपयोग आवश्यक है, कुछ भी लिख दो आप अपने शब्दों में। इसके अलावा रक्त संचार और जोड़ों के दर्द को ठीक रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसकी कमी से निम्न रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं विटामिन सी की कमी से, तो आप समझ लीजिए। देखिए पहली अगर हम बात करें तो है मसूड़ों में होने वाला स्कर्वी रोग। जैसे आप बहुत दिनों के बाद पेस्ट करते हो तो मसूड़ों में क्या होता है, बहुत सारी खून के साथ बलगम आती है, तो उसी को हम पारिया रोग भी कहते हैं, वही है मसूड़ों में होने वाला स्कर्वी रोग। दूसरा है घाव देर से भरना। तीसरा जो पॉइंट है वो है हृदय का बड़ा होना और हृदय की मांसपेशियों को हानि पहुंचाना, यानी हानि होना। जोड़ों का दर्द तथा गठिया का होना, ये सब है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अगर मान लो ये रोग ना हो, ये सभी रोग ना हो, तो ऐसा हम क्या करें, तो ऐसा आपको ये करना है कि जितने भी आपको खट्टे पदार्थ हैं वो खट्टे पदार्थ आप लेना शुरू कर दीजिए। खट्टे पदार्थ में क्या हो गया, जैसे आप बोल सकते हो इसमें सेम संतरा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो खट्टे पदार्थों में भाई, आप संतरा बोल सकते हो, मौसमी बोल सकते हो, इमली बोल सकते हो, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सभी खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो आप खट्टे पदार्थों को भरपूर मात्रा में ले सकते हो। अगला समझिए, देखिए विटामिन डी। तो विटामिन डी के बारे में आप समझो, विटामिन डी क्या है। देखो विटामिन डी, इसकी कमी से बच्चों में क्या हो जाता है भाई, सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, आपने समझा कि जो विटामिन डी है उसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। हड्डियों की उचित रचना तथा दांतों की मजबूती के लिए विटामिन डी अनिवार्य है, ठीक है। अब थोड़ा सा विटामिन ई के बारे में भी समझ लीजिए। तो विटामिन ई के बारे में समझो, देखो इस विटामिन में बंधता रोगी विटामिन की संज्ञा दी जाती है। यह विटामिन बसा में घुलनशील है, बिल्कुल सही बात है, बसा में घुलनशील है। यह विटामिन प्रजनन कार्य के लिए, देखिए प्रजनन कार्य के लिए बहुत जरूरी है। भोजन में इसकी कमी होने के कारण प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। यह प्रायः जब कमी आ जाएगी तो प्रायः मटर, सलाद, प्याज, पात गोभी तथा कुछ अन्य सब्जियों से प्राप्त किया जाता है। ये था विटामिन ई। अब समझिए आप, थोड़ा सा नोट करके मैं आपको लिखवा रहा हूँ कैल्शियम। देखो कैल्शियम का कितना महत्वपूर्ण योगदान है समझो। कैल्शियम मानव शरीर के लिए अति जरूरी है। देखो मानव शरीर के लिए कितना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है कैल्शियम। इसकी कमी से हड्डियों की पूर्ण रूप से बढ़ोतरी नहीं होती, ठीक है। तो कैल्शियम को अपनी बॉडी में भरपूर मात्रा में बना के रखना है, कैल्शियम को खराब नहीं करना है, व्यर्थ में नहीं कमाना है। अब देखिए ये वाला टॉपिक था जो विटामिन्स वाला था, ये कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है, और मैं ट्रिक के माध्यम से वो भी टॉपिक आपको अच्छे से कवर कराने की कोशिश करूँगा। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जियों को उगाने तथा तापमान के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी सीधे सीधे समझिए, जो सब्जियां हैं तो सब्जियों को उगाने तथा तापमान के आधार पर तीन वर्गों में डिवाइड किया गया है। वो तीन वर्ग कौन कौन से हैं, जैसे पहला वर्ग हो गया रबी की फसल, दूसरा है जायद की फसल, और तीसरा है खरीफ की फसल। यानी सब्जी जो होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो सर्दियों की सब्जी है, गर्मियों की सर्दी है सब्जी है, और वर्षा ऋतु की सब्जी है। तो हम एक एक करके इसे भी समझेंगे। देखो जो सबसे पहली आपकी हेडिंग है वो है रबी या जायद की सब्जी, सॉरी रबी या सर्दियों की सब्जियाँ, यानी आप बोल सकते हो रबी की फसल, या आप बोल सकते हो सर्दियों में उगने वाली सब्जियाँ। तो समझिए देखिए, यह जो फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है बेटा, अक्टूबर और नवंबर में। ये रबी की फसलें आप पढ़ रहे हो, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है। अब देखिए इसकी ट्रिक, मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा। ट्रिक है आज सच में राई में गेम खेला गया। देखिए ट्रिक आपकी ये है कि आज सच में राई में गेम खेला गया। तो इसमें आज जो है ना, आ से आपका हो जाएगा इसमें आलू,
और जा से आपका हो गया जौ, सा से हो गया देखिए सरसों, ये देखिए आ से हो गया आलू, जौ से हो गया जौ, सा से हो गया सरसों, चा से हो गया चना, मे आपका साइलेंट है, राई से हो गया राई, फिर मे साइलेंट है, गे से हो गया गेहूं, मा से मटर, खेला आपका साइलेंट है। ठीक है, यानी जो आप इसे ये कह सकते हो कि जो भी आपकी जैसे आलू है, जौ है, सरसों है, चना है, राई है, मटर है या गेहूं है, ये सभी जो फसलें हैं ये किसकी फसलें हैं, ये रबी की फसलें हैं। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्पल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चना है वो किसकी फसल है। ठीक है, रबी की फसल है, जायद की फसल है या खरीफ की फसल है, या वो ऐसे पूछेगा कि रबी की फसल कौन सी है, उनमें से एक गेहूं होगी और तीन अन्य फसलें होंगी, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद कराने की कोशिश की। अगली समझिए, जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, वो नेक्स्ट हेडिंग है देखिए, जायद या गर्मियों में गर्मियों की सब्जियां, यानी जायद या गर्मियों की सब्जियां। तो समझो, देखो यह है मई जून में बोई जाती है, कब बोई जाती है, यह बोई जाती है मई जून में और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। ठीक है, ये जायद की फसल है, इसका टाइम आप पीरियड आपको ध्यान रखना है, मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी अच्छा हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरे, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ताऊ खीरा खा के मरे। तो ता से देखिए क्या याद रखना है, तरबूजा, ऊ से आपको ध्यान रखना है उड़द, खी से आपको खीरा से खीरा ध्यान रखना है, खा से ध्यान रखना है खरबूजा, का से ध्यान रखना है ककड़ी, रा से याद रखना है राई और मरे से आपको ध्यान रखना है मूंग। तो देखिए कितनी आपको फसलें याद हुई एक ट्रिक से, देखिए कितनी फसलें याद हुई। समझो यहाँ पे समझिए आप, देखो तरबूजा, उड़द, खीरा, खरबूजा, मूंग, राई, तरबूजा, ये सब कैसी फसलें हैं, ये जायद की फसलें हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है, ट्रिक मैंने आपको बता दी, ताऊ खीरा खाकर मरे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगली फसल की बात करेंगे, तो जो अगली फसल है वो है खरीफ या बरसा बरसा ऋतु की फसलें। तो आप समझिए, देखो अगली हेडिंग क्या है, खरीफ या वर्षा ऋतु की सब्जियां। आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को बेटा लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, आप वीडियो को लाइक नहीं करते बहुत ही गलत बात है, देखिए आपके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो इसमें बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे कि मेरे जो बच्चे हैं एग्रीकल्चर के वो बहुत कम हैं पढ़ने वाले, और जो पढ़ने वाले हैं वो भी वीडियो को लाइक नहीं करते, तो बहुत गलत बात है बेटा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका फर्ज बनता है कम से कम एक तो लाइक करो। तो समझिए, खरीफ या वर्षा ऋतु की सब्जी, देखो खरीफ की फसल के बारे में बात कर रहे हैं, यह जो फसल होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है, कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे आप, आपको यह ध्यान रखना है, जो खरीफ या वर्षा ऋतु की जो सब्जी है यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी जो ट्रिक है वो है अरे गधा बाजा मत बजा, क्या है, अरे गधा बाजा मत बजा, अरे से आपको ध्यान रखना है अरहर, गा से आपको ध्यान रखना है देखिए गन्ना, धा से आपको ध्यान रखना है धान, बा से आपको ध्यान रखना है बाजरा, जा से आपको ध्यान रखना है ज्वार, माँ से आपको ध्यान रखना है मक्का, ता से आपको ध्यान रखना है तिलियन और बजा आपका साइलेंट रहेगा। समझिए, देखिए थोड़ा जूम करता हूँ ताकि और भी आपको क्लियर हो जाए, देखिए ये आपकी ट्रिक थी, अरे गधा बाजा मत बजा, बाजा इसमें साइलेंट रहेगा, तो अरे से आपने के ध्यान रखा अरहर, गा से आपके ध्यान रखना गन्ना, धा से आपने ध्यान रखा धान, बा से आपने ध्यान रखा बाजरा, जा से आपने ध्यान रखा ज्वार, माँ से आपने ध्यान रखा मक्का, ता से ध्यान रखा तिलहन, यानी कुल मिला के देखिए ये वाली फसलें हैं जो अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार और मक्का, तिलहन, ये जो इतनी फसलें हैं ये किसकी फसलें हैं आपकी, ये देखिए खरीफ की फसलें हैं और वर्षा ऋतु की फसलें हैं। अब देखिए कुछ नकदी फसलें हैं, तो नकदी फसलों की ट्रिक क्या है उसे भी आप समझ लीजिए, ये देखिए आपकी नकदी फसलें हैं, तो जो नकदी फसलें हैं उनकी ट्रिक है कागज में तंबाकू, क्या है, कागज में तंबाकू, कागज
का से कपास, गा से गन्ना, जा से जूट, में आपका साइलेंट रहेगा, और तमाकू से तमाकू। तो तमाकू, जूट, गन्ना, कपास, ये कैसी फसलें हैं? ये आपकी नगदी फसलें हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है अब इसके ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। इस चैप्टर के ऑब्जेक्ट हैं वो उन्हें हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहला कह रहा है, ओलेरीकल्चर किसे कहते हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया, देखिए ये वाला, ओलेरीकल्चर किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है सब्जियों की खेती को, बी ऑप्शन है फूलों की खेती को, सी ऑप्शन है फलों की खेती को, और डी ऑप्शन है अंगूर की खेती को। तो ओलेरीकल्चर किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन ही, ओलेरी कल्चर जो है वो सब्जी की खेती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला समझिए आप, अगला क्वेश्चन है कोलवाड़ किस सब्जी से संबंधित है। कोलवाड़ आपको बताना है किस सब्जी से संबंधित है। ए ऑप्शन है आलू, बी ऑप्शन है फूलगोभी, सी ऑप्शन है मिर्च, और डी ऑप्शन है बैगन। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, कोलवाड़ किस सब्जी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फूल गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कमेंट करते रहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई सब्जी की प्रति व्यक्ति दिन, सब्जी की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है 185 ग्राम, बी ऑप्शन है 285 ग्राम, सी ऑप्शन है 250 ग्राम, डी ऑप्शन है 325 ग्राम। यानी सब्जी की बात कर रहा है वो, सब्जी कि प्रति व्यक्ति प्रति दिन कितनी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 185 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी, यानी गोभी है ये, गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं वो किस मौसम में उगाई जाती हैं। यानी जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं वो किस मौसम में उगाई जाती हैं। ए ऑप्शन है वर्षा ऋतु, बी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, सी ऑप्शन है शरद ऋतु, डी ऑप्शन है बसंत ऋतु। तो जल्दी से कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो गोभी वाली वर्षीय सब्जियां हैं वो किस मौसम में उगाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। देखो हमारे देश की बात कर रहा है वो, इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपको बताना है सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ये देखिए छठा क्वेश्चन बिल्कुल अभी मैंने पढ़ाया है, बंधता रोधी विटामिन है, तो बंधता रोगी जो विटामिन है वो कौन सा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बंध्यारोधी जो विटामिन था मैं आपको पढ़ाया था विटामिन ई, इसका चौथा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी रोग सबको पता है, मैंने अभी बताया था कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से समझ लीजिए, मैंने अंदर वीडियो में नहीं पढ़ाया, तो जो घेंगा होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 का कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, घेंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नवा क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था विटामिन बी और सी, बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन में पहचानिए, ऑप्शन में सिर्फ बी वाला ऑप्शन दे रखा है, विटामिन सी, यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है मनुष्य के शरीर के ऊतक होते हैं, तो जो मनुष्य है उस शरीर के ऊतक कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है उदासीन, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर के ऊतक जो होते हैं वो होते हैं उदासीन, थर्ड वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको समझिए आप। निम्नलिखित में से किस फसल में गर्म हवा सहन करने की क्षमता सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किस फसल में गर्म हवा सहन करने की क्षमता सबसे कम होती है? ए ऑप्शन है भिंडी, बी ऑप्शन है पत्ता गोभी, सी ऑप्शन है मूली और डी ऑप्शन है मटर। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 के आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहप पटेल दैहिक विकार है? ए ऑप्शन है टमाटर का, बी ऑप्शन है फूलगोभी का, सी ऑप्शन है पत्ता गोभी का, डी ऑप्शन है बैगन का। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो जाहिर सी बात, देखिए आपने फूलगोभी पढ़ी है अभी, तो फूलगोभी का ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है ब्राउनिंग संबंधित है, तो ब्राउनिंग किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है लौकी, बी ऑप्शन है फूलगोभी, सी ऑप्शन है पत्ता गोभी, डी ऑप्शन है भिंडी। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप देख रहे हैं, देखिए बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, और जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस नंबर से जुड़िए आप और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए क्लास 12 एग्रीकल्चर की। तो जल्दी से बताइए ब्राउनिंग वाला, ब्राउनिंग संबंधित किससे है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपको करेक्ट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए आपको पता है जब हम फूल गोभी की खेती पढ़ रहे हैं तो फूल गोभी से ही संबंधित होगा। नेक्स्ट है रैफनस, रैफनस सटाइबस वैज्ञानिक नाम है, तो रैफनस सटाइबस वैज्ञानिक नाम है किसका? ए ऑप्शन है प्याज का, बी ऑप्शन है लौकी का, सी ऑप्शन है मूली का, डी ऑप्शन है करेला का। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, रैफनस सटाइबस वैज्ञानिक नाम है किसका? तो इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, क्या हो जाएगा, मूली। नेक्स्ट ऑप्शन है ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे, कहाँ पे है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन जो आपका लास्ट में है वो है बिहार। तो जल्दी से कमेंट करिए 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है आज, और जो अगली वीडियो आएगी, अगला जो लेक्चर आएगा हमारा, वो आएगा गोभी वर्गीय फसलों पे। क्या आएगा? गोभी वर्गीय फसलों। और गोभी वर्गीय फसलों में देखिए आपके जो सिलेबस में है वो है फूल गोभी और गाढ़ गोभी, तो इन्हीं से रिलेटेड हमारी जो टॉपिक्स है वो फूल गोभी और गाढ़ गोभी से रिलेटेड जो वीडियो है वो अपलोड होगी। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।